And welcome to today's video. आज का video है related to the 3 hour time management during your English exam. तो आप लोग का जो English exam होता है उसके अंदर 3 sections होते हैं. अगर किसी ने अभी तक marking scheme नहीं देखी है तो please make sure to watch the video of marking scheme. अच्छा, now सबसे पहले आप लोग को जो 15 मिनट रीडिंग टाइम मिलता है इंग्लिश के अंदर, जैसे कि मैंने आप लोग को एसएसटी के वीडियो में भी बताया था कि आप लोग को उस 15 मिनट के रीडिंग टाइम में ऐसे नहीं करना है कि पूरा का पूरा पेपर पढ़ रहे हो. आप लोगों को उस 15 मिनट के रीडिंग टाइम में उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करते हुए चलना है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने बाद एसएसटी के पेपर में टाइम मैनेजमेंट में भी बताई थी कि क्या होता है ना कि आप लोग सबसे पहले 15 मिनट में पूरा पेपर पढ़ते हैं, उसके बाद किसी क्वेश्चन का आंसर लिखते टाइम वापस से वही क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है, तो आप लोग का डबल टाइम वेस्ट हो जाता है. इस तरीके से स्टार्टिंग के 15 मिनट जो हैं उसको बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना पड़ेगा. तो आप लोग को स्टार्टिंग के 15 मिनट में क्या करना है, कोई भी एक पैसेज पूरा का पूरा सॉल्व कर देना है. अकॉर्डिंग टू मी आप लोग को पैसेज नंबर 1 पूरा सॉल्व करना है, क्योंकि पैसेज नंबर 1 में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सबके सब एमसीक्यूज ही आएंगे. तो आप लोगों को पैसेज 1 पूरा का पूरा उन 15 मिनट्स में सॉल्व कर देना है, ठीक है. आप लोग को वो 15 मिनट्स बाकी का पूरा पेपर नहीं देखना, कुछ भी नहीं देखना, बस पैसेज 1 पूरा रीड करके ढंग से सॉल्व कर लो. अब जैसे ही आप लोग को अपना क्वेश्चन पेपर मिलेगा, सबसे पहले अगर आप लोग का पैसेज 1 रह गया है तो आप लोग पैसेज 1 कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आप लोग पैसेज 2 कंप्लीट कीजिए. अनसीन पैसेजेस जो होते हैं वो बहुत अच्छा सोर्स होते हैं मार्क्स को ऑब्टेन करने का. कुछ नहीं होता, पैसेज दिया होता है, उसके अंदर से एज इट इज आंसर्स ढूंढ के लिखने होते हैं. तो मेक श्योर कि ये जो सेक्शन है ये 20 मार्क्स का है और आप लोग के इसके अंदर से सबके फुल 20 में से 20 आए, ओके. तो आप लोगों के पास पूरा आधा घंटा 20 to 25 मिनट्स तक का टाइम होगा जब आप लोगों को अपनी आंसर शीट मिल जाएगी सेक्शन ए ख़त्म करने के लिए. ये टाइम मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप लोग को अनसीन पैसेजेस बिल्कुल ढंग से सॉल्व करने हैं. तो जब आप लोग का 3 आवर्स का टाइम होगा उसके अंदर से तो आप लोग को 20 to 25 मिनट्स देने हैं अनसीन पैसेजेस के लिए, दैट इज सेक्शन ए के लिए. बट एक्चुअली आप लोग 40 to 45 मिनट्स दे रहे हैं क्योंकि आप लोग स्टार्टिंग के 15 मिनट्स भी यही वाला सेक्शन करने वाले हैं. तो इंग्लिश के अंदर यूजुअली बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि सेक्शन ए बी सी के अंदर से कौन सा सेक्शन सबसे पहले अटेम्प्ट करना चाहिए. तो अकॉर्डिंग टू मी आप लोग को सबको सबसे पहले रीडिंग सेक्शन ही अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि रीडिंग सेक्शन रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. रीड करना पड़ता है तो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होता है. एंड जब आप लोग का पेपर का स्टार्टिंग होगा तब आप लोग के कॉन्सेंट्रेशन लेवल जो है वो सबसे ज़्यादा होगा. तो इसलिए सबसे पहले आप लोग को रीडिंग सेक्शन करना है, उसके बाद आप लोगों को लिटरेचर पर आना है, ठीक है. मैं सब बच्चों को यही सजेस्ट करूंगी कि आप लोग का सीक्वेंस होना चाहिए सेक्शन ए, देन सेक्शन सी एंड देन सेक्शन बी, ओके. नाउ कम सेक्शन सी. सेक्शन सी के अंदर सब बच्चों को 1.25 घंटा या फिर 1 घंटा देना है. अब मैं बोल रही हूँ 1.25 घंटा 1 घंटा, ये बहुत सारे बच्चों को कम लग रहा होगा. आप लोग बोलोगे मैम 1 घंटा 1.25 घंटा में कैसे ये लिटरेचर का सेक्शन खत्म होगा. तो देखो, लिटरेचर के सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के पास 7 क्वेश्चन होंगे लिखने के. उसके बाद ये जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना, ये तो सिर्फ एमसीक्यूज ही होते हैं, ठीक है. तो आप लोग अगर एक क्वेश्चन को आराम से 10-10 मिनट दे के भी लिखोगे ना, तब भी आप लोग का ये जो लिटरेचर सेक्शन है ये 1.25 घंटे में ख़त्म हो जाएगा. तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग लिटरेचर सेक्शन को 1 आवर 15 मिनट्स, दैट इज 1.25 घंटे से ज़्यादा नहीं दें. आप लोगों को सेक्शन ए को देने हैं 20 to 25 मिनट्स, उसके बाद आप लोग को सेक्शन सी को देने हैं 1 आवर 15 मिनट्स, ओके. नाउ कम सेक्शन बी. देखो, सेक्शन बी इंडिविजुअली मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज राइटिंग एंड देन ग्रामर. तो सबसे पहले आप लोग को सेक्शन बी के अंदर ग्रामर खत्म करनी है. ग्रामर के सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चंस होते हैं. तो आप लोग जैसे ही लिटरेचर कर लेंगे, देखो लिटरेचर करने के बाद बहुत ज़्यादा लिखना होता है लिटरेचर के अंदर भी. तो लिटरेचर करने के बाद आप लोग के बहुत सारे बच्चों के कभी हाथ दुख जाते हैं या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके बाद आप लोगों को ग्रामर करनी है क्योंकि ग्रामर के अंदर ज़्यादा सोचने का काम है, राइट. तो थोड़ी सी आप लोग को ईज मिलेगी लिटरेचर करने के बाद जब आप लोग ग्रामर करेंगे. तो ग्रामर के अंदर आप लोग को आराम से सोच के 20 to 25 मिनट्स के अंदर ग्रामर जो है वो ख़त्म करनी है, राइट. नाउ अब देखो, 20 to 25 मिनट्स आप सेक्शन ए को दोगे, उसके बाद आप लोग 1 आवर 15 मिनट्स सेक्शन सी को दोगे और 20 मिनट तक आप लोग ग्रामर को दोगे.
ठीक है, तो ये पूरा टाइम मिला के होता है 2 आवर्स, ठीक है। उसके बाद आप लोग के पास 1 घंटा और बचेगा, 1 घंटा जब आप लोग के पास और बचेगा, उस 1 घंटे में आप लोग को पूरा पेपर रिवाइज भी करना है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोगों को राइटिंग सेक्शन भी करना है। राइटिंग सेक्शन जो है ये मैंने सबसे लास्ट के लिए इसलिए रखा है क्योंकि राइटिंग सेक्शन में आप लोग कितना भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप लोग को अगर 1 पेज आता है तो आप लोग 1 पेज लिख लीजिए, ऑब्वियसली आप लोग को इतनी ज़्यादा वर्ड लिमिट एक्सीड नहीं करनी है, बट राइटिंग सेक्शन में लिखना भी ज्यादा होता है एंड देयर इज नो लिमिट। मतलब कोई बच्चा 100 वर्ड्स लिख रहा है, कोई बच्चा 120 वर्ड्स लिख रहा है, कोई बच्चा 150 वर्ड्स भी लिख रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली 150 वर्ड से ज्यादा मत लिखना क्योंकि 150 वर्ड्स जो है वो लिमिट है, उसको एक्सीड नहीं करनी है। तो राइटिंग सेक्शन में कि कोई भी बच्चा कितना भी लिख सकता है एंड राइटिंग सेक्शन में सोचना होता है, राइट। बट जैसे कि अनसीन पैसेजेस में क्या होता है, अनसीन पैसेजेस में भाई इस क्वेश्चन का आंसर देना है तो देना ही है, राइट। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग राइटिंग सेक्शन एंड में अटेम्प्ट करेंगे तो दैट विल बी टोटली फाइन, लेकिन आप लोग पूरा का पूरा पेपर उससे पहले कर लीजिए, ठीक है। राइटिंग सेक्शन के अंदर जितना आप लोग सोच सकते हैं एंड में उतना सोच के लिख लेना, ठीक है। तो आप लोग को 10 मिनट देने हैं, 10 to 15 मिनट्स देने हैं आर्टिकल या फिर लेटर जो भी आप लोग कर रहे हैं, और आप लोग को 10 to 15 मिनट्स देने हैं स्टोरी राइटिंग को, ठीक है। उसके बाद भी अगर आप लोग को स्टोरी राइटिंग में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगे, 5-10 मिनट तो आप लोग दे सकते हैं। उसके बाद आप लोग को पूरा अपना इंग्लिश का पेपर ढंग से रिवाइज करना है क्योंकि इंग्लिश के पेपर में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। ये जो पेपर का तरीका है, दैट इज पेपर की अटेम्प्टिंग का तरीका है, ये मैंने बहुत सारे बच्चों को बताया हुआ है एंड इट रियली वर्क्स परफेक्टली फॉर देम। अगर आप लोग ये मेथड फॉलो करेंगे तो आई एम 100% श्योर आप लोग का पेपर बिल्कुल भी नहीं छूटेगा, क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे स्टार्टिंग के अंदर राइटिंग सेक्शन करने लग जाते हैं, ठीक है। अब वो लोग स्टार्टिंग के अंदर राइटिंग सेक्शन करने लग जाते हैं और उनका लास्ट का पूरा पेपर छूट जाता है क्योंकि राइटिंग सेक्शन में वो लोग 2-3 पेजेस भर देते हैं, उसके बाद उनके पास टाइम ही नहीं बचता लिटरेचर करने का, जबकि पूरी की पूरी लिटरेचर छूट जाती है। राइटिंग सेक्शन के अंदर तो देखो 8 नंबर का क्वेश्चन है, उसके अंदर 6-7 ऐसे ही मार्क्स मिलेंगे, उसके चक्कर में पूरा का पूरा लिटरेचर मत छोड़ना, इसलिए राइटिंग सेक्शन जो है वो एंड में ही करना, ठीक है। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को ये पूरा वीडियो हेल्पफुल लगा है। अगर हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।